चलो बच्चा, हम अब स्टार्ट कर रहे हैं एक और नया सम। तो ये सम में आप ध्यान से देखोगे तो क्या दिया हुआ है, इलास्टेशन नंबर 37, जिसमें बोला हुआ है एक्सपांड 1 + 6 raised to 6, वेरीफाई बाय पुटिंग एक्स इज इक्वल टू 1 ऑन द बोथ साइड ऑफ 1 + x raised to 6। तो बहुत सिंपल है, दोनों साइड पे आपको एक्सपांड करके कंपेयर करना है। तो पहले स्टेप में हम सिंपल एक्सपांड करते हैं, तो यहाँ पे 1 + x raised to 6 का 6 is 0, 6 is 1, 6 is 2, 6 is 3, 4, 6 is 5 and 6 is 6 करके आ जाएगा। पहले में हम लिखेंगे 1 और दूसरे में x, तो पहले में 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 और यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6। क्लियर, सिंपल है, स्टेप पुट करना है बस और कुछ नहीं। अब सॉल्व करते हैं। 6 का आपको बेसिक ये पता हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6 का हमें पता हो तो 1, 6, 15, 20, 15, 6, तो जो हमने बोला वही यहाँ पे लिखा होगा। यहाँ पे 1, ये 6, ये 15, ये 20, 15, 6, 1। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो पहले वाले में 1 की पावर 6 करोगे तो 6 ही आएगा, 1 की पावर 6 करोगे या 10 करोगे या 100 करोगे तो भी 1 ही आएगा। बोलने में वो ध्यान रखना बच्चा, लिखने में मैंने तो गलत बोला, आप ध्यान रखना। यहाँ पे 6 की मतलब x की पावर 1 है तो हमने 1 लिखा, यहाँ x की पावर 2 है तो x स्क्वायर लिखा, x³, x⁴, x⁵ and x⁶। 1 की पावर कोई भी लिखो लेकिन 1 ही रहने वाला है, तो वो तो आपको क्लियर हो गया। अब बच्चा ये वाले पॉइंट में वो लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे आप पहले वाले स्टेप में भी आप वैल्यू पुट करो 1 + x, वहाँ पे 1 ऐड पुट करो तो 1 + 1 हो जाएगा 2, 2 की पावर 6 जो 64 हो जाएगा। और ये हुआ हमारा कौन सा, तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया LHS, लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो ये वाला स्टेप है जहाँ पे हम पूरी जगह पे 1, 1, 1 वैल्यू पुट करते जाएंगे। तो ये 1 लिखा, x की जगह यहाँ पे बोलोगे तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1, सभी जगह लिख दिया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ गया। तो LHS एंड RHS क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, जो बहुत सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चा ये सिंपल स्टेप आप थोड़े ध्यान रखना, प्रॉपर नोटबुक में लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।